निषाद पार्टी के मुखिया संजय को विश्वास, यूपी में बढ़ेगा निषादों का दबदबा। तो मैंने भी अब निषाद पार्टी का पर्चा दिया कि आप अपना भी झंडा उठाओ, अपने लड़कों को पढ़ाओ। संजय निषाद ने काजल निषाद को चढ़ाया, ऐसा लगा कह रहे हूँ अखिलेश नहीं काम आने वाले। निषाद समाज के नाम पर संजय निषाद के तेवर, मुंह से मोदी योगी की बड़ाई लेकिन अंदर से दिखा चौबस के लिए बना रहे दबाव। तो अंसारी भी हमारे लोग हैं जो गए थे पंसारी बनने, उन्हें भी हम समझाएंगे और लेके आएंगे। तो ऐसे में सम्मान हमारे समाज का भारतीय जनता पार्टी दे रही, इसलिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। काजल निषाद की हार से तय हो गया, संजय निषाद का रुतबा निषाद समाज के बीच कायम है। जिस तरह से निषाद समाज ने निकाय चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को हाथों हाथ दिया, उससे संजय निषाद का विश्वास इस कदर बढ़ा कि कहने लगे निषाद तो है ही लेकिन पंसारी से लेकर अंसारी सब मल्लाह ही है, मल्लाह भी साथ अल्लाह भी साथ में है। भारत में जब बात प्रभु श्री राम की आती है तो निषादों की बात करना जाहिर बन जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम को नाव पार लगाने वाले वो मल्लाह ही थे। हमारे साथ संजय निषाद जी मौजूद हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है और निषाद का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, और यही कारण है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो या आने वाले 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, क्या लगता है कितना समर्थन होगा और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कहां पर होगी? देखिए अभी तो मल्लाह भी साथ में और अल्लाह वाले भी साथ में है, क्योंकि इनको मैंने बता दिया जाल भिनने वाले जला, जला से जुला, और जब तलवार लगा दिया तो वो बेचारे हो गए अंसारी। तो अंसारी भी हमारे लोग हैं जो गए थे पंसारी बनने, उन्हें भी हम समझाएंगे और लेके आएंगे। और ये 18% आबादी मछुआ समुदाय की है जो आज के दिन में खुद के अपने झंडा और टोपी बना रखा है, क्योंकि झंडे से इनकी हिस्सा मिलता, हाथी वालों को मिला, साइकिल वालों को मिला, इनको अब जय निषाद राज नारा बोलने से और ये मैरून रंग के झंडे से इनको भी मिलना शुरू हो गया। केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हो गया, मोदी जी ने 26,000 करोड़ रुपया दे दिया, उत्तर प्रदेश में हमारे मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, हमारे मंत्री बनाया गया और मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई और निषादों के कल्याण के लिए चर्चा शुरू हो गई और उनके लिए आगे योजनाएं अलग ही धरातल पर। अभी मैंने इस बार भी मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कई निषाद ऐसे जो करोड़ों करोड़ों की मिल लगाए हैं उनको हमने 60% सब्सिडी दी थी साथ साथ। तो ऐसे पहली बार है कि हम अपने इस मछुआ समुदाय के लिए सरकार चिंता कर रही है। निषाद राज के लिए जो पर्यटक स्थल घोषित किया है और वहाँ जो है उसे 38 करोड़ 38 लाख रुपए का ऑडिटोरियम निषाद राज सांस्कृतिक भवन बन रहा है। तो ऐसे में सम्मान हमारे समाज का भारतीय जनता पार्टी को है, इसलिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और 7 जून को एक नए तेवर के साथ आएंगे और वो हमारा आंदोलन दिवस है, उस दिन लोग धन्यवाद देंगे सरकार को, इस योजनाओं का धन्यवाद देंगे और फिर वो जो है तो ज्ञापन भी देंगे कि निषाद राज के किले पर मस्जिद खड़ी है उसे हटाया जाए और इनके आरक्षण का मुद्दा उसे साफ किया जाए। ये दोपहर 7 तारीख को और 30 तारीख को पूरे पोर्टल खुला है इनके मछुआ कल्याण कोष की है। 25, 26 और 27 को पूरे प्रदेश में हर जिले में मत्स्य विभाग में एक ट्रेनिंग होगा जिसके अंदर मछुआरे कैसे उनका योजनाओं का लाभ पाएंगे और उसके वजह से ये कार्यशाला लागू है और कार्यशाला में इनको कार्यशैली बनाने के। सुना आपने संजय ने क्या कहा, विश्वास तो उनका हाई है, जोश में शायद होश के साथ निषाद समाज में पंसारी भी आते हैं और अंसारी भी। इससे आगे संजय पर्चा और पौवा पर आ गए, कुछ इस तरह से परिभाषित किया कि निशाना अखिलेश यादव पर लगा, चोट काजल निषाद को तो लगी ही होगी। संजय निषाद की पाठशाला, निषाद समाज का पौवा का बॉयकॉट, अब हाथ में है पर्चा। देखा जा रहा है समय समय पर संजय निषाद जी लगातार अपने आवास पर ही पाठशाला लगा रहे हैं, लगातार अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष की अगर बात की जाए तो पिछली जब सरकार में विपक्ष जब सत्ता में थे तो कहीं ना कहीं निषाद लोगों को उन्होंने आप जैसा बताया आपने पाठशाला में कि पौवा थमा दिया और वोट ले लिया। अब लेकिन 2024 का चुनाव है और लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, तो क्या लगता है कि कितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को आप दे पाएंगे और कितना प्रेम आपको भारतीय जनता पार्टी से मिलेगा? देखिए हम लोग मांगने वाले नहीं हैं, निषाद राज जीत रहे हैं, हम जीत दे रहे हैं और सीख दे रहे हैं। तो इन्हें सिखाया जा रहा है कि पिछले सत्र में कि वो लोग अपने समाज में पर्चा बांटे और तुम्हारे समाज में पौवा बांटे। तो पर्चा में लिखा था कि टोपी झंडा उठाओ, अपनी माँ के कोख से अधिकारी कर्मचारी बनाओ, अधिकार पाओ, और इनको पौवा पिला के इनको बेहोश कर दिया। तो मैंने भी अब निषाद पार्टी का पर्चा दिया कि अब अपना भी झंडा उठाओ, अपने लड़कों को पढ़ाओ, उनको भी डीएम कलेक्टर बनाओ, अपनी माँ को से लोगों को अधिकार दिलाने लायक बनाओ। तो ये सारा चीज़ इसीलिए है कि हम इनको ट्रेंड कर रहा हूँ और ट्रेंड करके बता रहा हूँ, और ये सभी कार्यकारिणी के लोग नीचे जाकर काम करते हैं और उसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी इसीलिए हमारे साथ है और हम उसके साथ हैं कि उनका भी उद्देश्य है कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, हमारी पार्टी का निर्बल से सबल हो। तो निर्बल से सबल तभी होगा जो बजट के शिकार हैं, वो अब बजट के हिस्सेदार बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिस्सेदार बनाई, पिछली सरकार ने शिकार बनाई थी, इसलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा सम्मान। संजय निषाद दावे पर दावे कर रहे हैं, अपनी पाठशाला में निषाद समाज के लोगों को सियासी ज्ञान देने का जिक्र करना भी वो नहीं भूले।
संजय निषाद जी ने अपनी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है, आखिर क्या कारण है? कोई नई स्ट्रेटजी लेकर चलने वाले हैं क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को? कोई कार्यकारिणी हर पार्टी भंग करती है, इसीलिए कि नए केलेवर नए तेवर के साथ लोग आए और लोग जगह बनाए और जीत सुनिश्चित करें, और उसके वजह से हमने निचले जिला की कमेटी है और प्रदेश की कमेटी है सम्मिलित करके और नए लोगों को अवसर मिलेगा और पुराने लोग भी उसमें समायोजित होंगे और ट्रेन ड्राइवर किया जाए, ट्रेन सैनिक को सेनापति को आगे किया जाए, इसमें हमने किया, एक हफ्ते के अंदर फिर से सुनिश्चित हो जाएगी सब पार्टी से। तो सवाल है, क्या संजय निषाद की पाठशाला से निषाद समाज में जागृति आ रही? अब वो अपनी पार्टी के तौर पर निषाद समाज को देख रहे हैं? लगे हाथ हमारे रिपोर्टर ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर भी सवाल कर दिया, तो जवाब ऐसा दिया विपक्ष सुनेगा तो हैरान हुए बिना नहीं रह पाएगा। 28 मई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे, देश को सौंप देंगे नई संसद भवन। लेकिन अगर बात किया विपक्ष की तो लगातार विपक्ष का विरोध है कि दलितों का अपमान किया जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उसको बुलाना चाहिए, उनसे उद्घाटन कराना चाहिए, वहीं प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, उन्होंने खुद आमंत्रित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन विपक्ष का लगातार आरोप है कि कहीं ना कहीं दलितों का अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। दलितों पिछड़ों को झोली में बैग रख के पॉकेट में रख के इन लोग पावर वाले हो गए, पैसे वाले हो गए और दलितों पिछड़ों के लिए कोई कानून नहीं बनाया। तो आज हमारी सरकार है दलितों पिछड़ों के लिए साथ खड़ी है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, चुने हुए मोदी हैं, पूरे देश के आइकान हैं, वो एक ऐसे पुरुष हैं महापुरुष हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को टेक्नोलॉजी से रोका और अनाज दिया, मकान दिया, इलाज किया, पिछली सरकार क्यों नहीं दिया? तो अगर जनता मोदी को स्वीकार कर रही है तो उद्घाटन अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड का है मोदी के, तो उस पर विपक्ष के पास इस तरीके का आरोप निराधार है और ऐसे बात उनके पास जिसको जनता स्वीकार कर दिया विपक्ष को, तो उनके बातों का कोई मतलब नहीं। मैंने अगर से बात कर ली तो ये संजय निषाद जी जिन्होंने बताया कि लगातार विपक्ष जो आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों का सम्मान नहीं करती है वो लगातार निराधार है, वहीं संजय निषाद ने लगातार ये बात कही 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे और बड़े बहुमत के साथ में बड़ा जन अधिकार उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आएगा और केंद्र में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। कैमरा मनोज के साथ मैं एनके तिवारी, लखनऊ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।